दोस्तों इस दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने अंदर इतने राज छिपाए हुए हैं कि जो भी उन जगहों के बारे में सुनता है या फिर वहां जाता है तो वो विश्वास ही नहीं कर पाता कि ऐसा भी हो सकता है। वैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा पर्वत है जहां जाने के बाद आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लगेगी तो शायद आप इसे सुनकर यकीन ना करें, लेकिन दोस्तों ऐसा एक पर्वत वाकई में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। जी हाँ, यही वो पर्वत है जिसके गर्भगृह में छिपा हुआ है रहस्यों का भंडार, जहाँ अभी तक कोई भी इंसानी ताकत नहीं पहुँच पाई है। वैसे ये तो उस पर्वत के रहस्य की सिर्फ एक झलक थी। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए कैलाश मानसरोवर की ऐसी बहुत सी रहस्यमयी बातें बताने जा रहे हैं। तो और देर न करते हुए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से भी अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। ये हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है, क्योंकि तिब्बत फिलहाल चीन के अधीन है, अतः कैलाश पर्वत चीन में आता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का वास इसी पर्वत पर है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। मान्यता तो यह तक है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी भी इसको अपना पवित्र पर्वत मानते हैं, जबकि तिब्बती बौद्धों का मानना है कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डैमचोंग कैलाश पर्वत के अधिशाष्टा देव हैं। जैन धर्म के अनुयायी कैलाश पर्वत को अष्टापद कहते हैं। उनका मानना है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने यही निर्वाण को प्राप्त किया था। दोस्तों ये तो हुई धार्मिक मान्यताओं की बात। अब आइए बात करते हैं इस स्थान के रहस्यों के बारे में, जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है और जिसको उजागर करने के लिए कई देश के वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं, पर अभी तक कोई भी एक ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। अलौकिक शक्तियों का वास। दोस्तों ये एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। ये वो पॉइंट होता है जहां आकाश और पृथ्वी के बीच का मिलन होता है और दसों दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों का दावा है कि एक्सिस मुंडी वह जगह होती है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं शक्तियों के बारे में रशिया के वैज्ञानिकों ने जब यहां के मंदिरों के कुछ धर्म गुरुओं से एक लंबी चर्चा की, तब ये बात सामने निकल कर आई कि कैलाश पर्वत के चारों ओर कोई अलौकिक शक्ति है जिसमें आज भी तपस्वी लोग आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी के जरिए संपर्क करते हैं। वो कौन सी शक्ति है और यह कैसे विद्यमान है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। धरती का केंद्र बिंदु। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि धरती के दो ध्रुव दक्षिण और उत्तर दोनों के मध्य में स्थित है हिमालय और इसी का केंद्र है कैलाश पर्वत। इस लॉजिक के मुताबिक ये धरती का केंद्र है, पर इसको लेकर काफी मतभेद भी वक्त वक्त पर सामने आते रहे हैं। वैसे वैज्ञानिक लगातार इस पर्वत पर नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद है कि इस बात का सच भी जल्द ही बाहर आएगा। आज तक अजय है कैलाश पर्वत। सबसे बड़ा रहस्य तो ये है दोस्तों कि आखिर आज तक कोई भी इंसान इस पर्वत की चोटी पर क्यों नहीं चढ़ पाया, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। हालांकि साल 1980 में चीन की सरकार ने यहां चढ़ने की कोशिश पर ही रोक लगा दी थी। ऐसा मानना है कि जो भी यहां चढ़ने की कोशिश करता है वो दिशाहीन हो जाता है, साथ ही उसकी उम्र भी बढ़ने लगती है। जी हां दोस्तों, और कई किस्से तो ऐसे भी सुनने को मिलते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी और वे गायब हो गए। कैलाश पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले यानी कि साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। पर दोस्तों अब कैलाश पर्वत के शिखर की चढ़ाई पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। लेकिन कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने खुद इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसीलिए ये भी एक रहस्य बना हुआ है। दो झीलों का रहस्य। पहला मानसरोवर, जो दुनिया के शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार
सूर्य के समान है। दूसरा है राक्षस ताल, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों ही झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी से लगाया जाता है। इन झीलों की खूबसूरती और बनावट आपको अचंभित कर देगी। जब दक्षिण से इस नजारे को देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। इस जगह को लेकर काफी सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, खासकर हिंदू धर्म ग्रंथों में कई बार इस जगह का उल्लेख मिलता है। प्रमुख नदियों का उद्गम इसी स्थान से क्यों? कैलाश पर्वत की चार अलग अलग दिशाओं से चार अलग अलग नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व कर्णाली, इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन और भारत की दूसरी नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं की आकृति अलग अलग जानवरों के मुख के समान दिखाई पड़ती है, जिसमें से इन नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में शेर का मुख और दक्षिण में मोर का मुख है। ऐसी आकृतियां देखकर कोई भी अचरज में पड़ सकता है, क्योंकि इनकी बनावट देखकर तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं। हिम मानव की मौजूदगी। दोस्तों, हिम मानव या फिर यति का नाम तो आप सबने सुना होगा। कहते हैं कैलाश पर्वत पर इनकी मौजूदगी है। वैसे ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया के 25 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि इस जगह हिम मानव की मौजूदगी है। और इनके इन दावों के पीछे की वजह है बर्फ पर मिले कुछ अजीबोगरीब पैरों के निशान, जो किसी साधारण इंसान के नहीं लगते, न ही किसी बड़े जानवर के हैं। ऐसे में हिम मानव के मौजूद होने की शंका बढ़ जाती है, हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला है। अगर इन दावों को सच मान लिया जाए तो सवाल ये उठता है कि हिम मानव ने इसी जगह को क्यों चुना? अजीब सी आवाज का सुनाई देना। दोस्तों, यहाँ एक जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि जब आप कैलाश मानसरोवर या फिर मानसरोवर झील वाले इलाके में होंगे तो आपको लगातार एक आवाज सुनाई देती रहेगी। जब आप बहुत गौर से इस आवाज को सुनेंगे तो किसी को ये डमरू और किसी को ओम की ध्वनि जैसी लगती है। वैज्ञानिकों की माने तो ये आवाज धीरे धीरे बर्फ के पिघलने की भी हो सकती है, या तो प्रकाश और ध्वनि के मिलन के कारण भी ओम जैसी कोई आवाज निकलती हो, इसकी भी संभावना है। अब इसका सच क्या है, ये तो एक लंबी रिसर्च के बाद ही पता लग सकता है, लेकिन लगातार आवाज का आना इस जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। सात रंगों की लाइट का चमकना। दोस्तों, इस अद्भुत जगह के लिए एक बेहद चौंकाने वाला दावा ये भी है कि यहाँ स्थित पर्वत पर सात तरह की लाइटें आसमान में चमकती देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का मत है कि हो सकता है चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता हो, मतलब कि जब चुंबकीय बल आसमान से मिलता हो तो ऐसी लाइटों का निर्माण हो सकता है। वैसे इस अजीब रंग की लाइट को लेकर और भी कई दावे सामने आए हैं, जिसमें से कुछ धार्मिकता से भी जुड़े हैं। पर लाइटों का इस तरह से चमकना वाकई किसी को भी हैरत में डाल सकता है। तो क्या आपने कभी इन रहस्यमयी लाइटों के बारे में कुछ पढ़ा या सुना है? अगर हाँ तो हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। रहस्य से पर्दा उठाने का दावा। दोस्तों, एक रशियन डॉक्टर ने इस रहस्य की परतों को खोलने का प्रयास किया और दावा किया है कि कैलाश पर्वत असल में मानव निर्मित पिरामिड है, जहाँ लगातार रहस्यमयी घटनाएं होती रहती है। यही वजह है कि यहाँ आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुँच सका। दावे में ये बात भी निकल कर सामने आई कि इसके तार गीजा वो टीथुआकान मेक्सिको के पिरामिड से भी जुड़े हुए हैं। इन दावों के बाद कैलाश पर्वत एक बार फिर चर्चा का विषय बना। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस पर्वत से जुड़ी कई फोटोज बीच बीच में सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। कैलाश पर चढ़ते ही बढ़ने लगती है उम्र। रूसी डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपने एक दस्तावेज में इस बात का उल्लेख किया है कि उन्हें एक बार साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कैसे कुछ पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचे थे, जिसके बाद वो बहुत तेजी से बूढ़े होने लगे और एक ही साल के बाद बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलाय रेरिक को यह विश्वास था कि कैलाश के आसपास के इलाके में शंबाला नाम का एक रहस्यमयी राज्य है। हिंदुओं के कुछ संप्रदाय इस शंबाला राज्य को कपापा के नाम से पुकारते हैं, जहाँ सिर्फ सिद्ध और तपस्वी लोग ही रहते हैं। 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने यह तय किया कि वे कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोलने के लिए उस इलाके में जाएंगे। उनकी पर्वतारोहण टीम में भूविज्ञान व भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। इस दल के सदस्यों ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की, पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। बाद में मुल्दाशिफ ने एक किताब लिखी, वेयर डू वी कम फ्रॉम। इस किताब में कैलाश यात्रा से जुड़े कई किस्सों का जिक्र है।
अपने एक लेख में उन्होंने लिखा, तिब्बती ग्रंथों के मुताबिक शंबाला एक आध्यात्मिक देश है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी सकारात्मकता से ये कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हमने सिद्धों और तपस्वियों के राज्य तथा पिरामिड और पत्थरों के दर्पण को मिलाकर एक प्लानिंग के तहत एक मैप बनाया, तो हमें ये देखकर बेहद हैरानी हुई कि वो नक्शा हूबहू डीएनए के अणु की स्थानिक संरचना का नक्शा था। दोस्तों, कैलाश पर्वत को लेकर आज भी दावों का सिलसिला जारी है। कई देश के साइंटिस्ट इन दावों की सच्चाई जानने के लिए लगातार ट्राई करते रहते हैं, और आने वाले वक्त में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हों तो इसकी कोई हैरानी नहीं होगी। तो देखा आपने कि कैलाश पर्वत के अंदर कितने रहस्य छिपे हुए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।